और मैं हूं सोनिया। करियर काउंसलिंग के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। हर इंसान अपने जीवन में एक बेहतर और कामयाब जिंदगी की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि एक कामयाब जिंदगी के पीछे होते हैं कई अहम फैसले, और उन फैसलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने करियर का चुनाव, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक सही करियर का चुनाव ही आपके वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी संवारता है। आज जिस ग्लोबल एज में हम जी रहे हैं और जिस तरीके से कंपटीशन लगातार आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे एक सही करियर का चुनाव किया जाए, किस तरीके से स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट किया जाए, ये तमाम सवाल हैं जो आज की जनरेशन के माइंड में घूमते रहते हैं। तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम आज हमने रखा है, जिसमें इन तमाम सवालों को हम शामिल करेंगे, और कुछ युवा साथी भी आज हमारे साथ ऑडियंस के रूप में शामिल हुए हैं, उनके सवालों और जिज्ञासाओं को भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। मेरे साथ आज एमिनेंट करियर कंसल्टेंट विकास सलारिया जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। हम लोग चाहेंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत जो है तालियों के साथ की जाए। जब भी युवा मुझे लगता है कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं तो ऊर्जा का संचार अपने आप होने लगता है विकास जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है, आई थिंक चूजिंग अ करियर इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इज वेरी चैलेंजिंग। आज की अगर हम टाइम की बात करें तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन पास किया है वहीं से एक करियर की शुरुआत हो जाती है, किस तरीके से एक सही करियर चुने, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल और जो ऑफ बीट कोर्सेज हैं दोनों का एक मिक्स पॉपुलर चल रहे हैं कोर्सेज, किस तरीके से एक सही करियर का चुनाव किया जाए। जी मैम, बेसिकली करियर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज़ करियर। राइट। अब इसमें कई स्टेजेस हैं। स्टूडेंट जब प्लस टू में आता है और करियर चूज करता है तो उसको क्लैरिटी नहीं होती उसमें, जो पीयर प्रेशर है, जो दोस्तों ने बोला, फैमिली प्रेशर है, किसी से कुछ कहीं से सुन लिया और उसको ऑप्ट कर लेता है। जब वो कोर्स में घुसता है तो उसको देखता है कि ये तो मेरी चॉइस थी नहीं बिल्कुल, और वो फिर भी उसको किसी न किसी तरीके उसमें घुस जाता है और उसको चलाता है, और पेरेंट्स को कंप्लेंट भी नहीं करता बिल्कुल, बिकॉज उस एज में इट इज़ अ कंफ्यूज्ड एज। राइट। वो जो एज होती है जब स्टूडेंट प्लस टू करता है, पहले उसने प्लस वन प्लस टू में अपना स्ट्रीम चूज़ किया, वो भी प्रेशर से चूज़ किया, फिर वो कॉलेज में पहुँच गया, तो बेसिकली जो करियर प्लानिंग है वो तो कॉलेज के बाद ही है जी। तो सबसे पहले तो हमारा हमारे कंट्री में की है कि सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या करता है। राइट। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा जो ऑलरेडी जो लोग प्लेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में या कहीं भी हो रहे हैं, तो उनको सबको इसी दौर से गुजरना पड़ रहा है कि पहले ग्रेजुएशन करो फिर हम सोचें जी। तो जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, हम उसके लिए सबसे पहले ये कहेंगे कि वो जब कॉलेज में है तो सबसे पहला उनके पास पड़ाव क्या है कि वहाँ पे MNCs आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, MNCs या कुछ और कंपनीज आ रही हैं, इंडियन कंपनीज ऑल्सो। तो जो उसने हासिल किया है 3 या 4 सालों में, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया या जो भी किया है, तो अगर प्लेसमेंट उसकी कॉलेज में हो रही है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वेरी ट्रू। ठीक है, बिकॉज जो टूल उसके पास ऑलरेडी है, टूल्स टैकल्स है, वो उसको यूज़ करे बजाय कि उससे आगे दौड़े। तो सबसे पहले अगर उसको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है, तो उसको लूज ना करे। राइट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स की सर वो हमें मेरे को पैकेज कम मिल रहा था तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो डोंट लुक एट पैकेज, लुक एट योर करियर। अगर आपका वो फील्ड, आपका जो फील्ड ऑफ चॉइस है वो अच्छा है, आपको पसंद है, तो जो भी पैकेज मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम करते जाइए, और अपने आप आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। आपको पैसे की तरफ नहीं देखना, आपको अपने इंटरेस्ट और अपने करियर की तरफ देखना है, नॉट एट द मनी जी। ओके, देन फर्स्ट थिंग इज लाइक प्लेसमेंट्स इन द कॉलेज। देन वी हैव कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेरे को प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करना है जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उसके लिए अलग एग्जाम्स हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सारा कुछ उसी से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, उनके पास गेट का एग्जामिनेशन है, उनके पास SSCJEE है, देन दे हैव स्टेट PSUs जिसमें वो अपीयर हो सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, वो उस पर ट्राई कर सकता है। देन नेक्स्ट कम्स कि सर मेरे को प्राइवेट में जाना था बट मेरे को गवर्नमेंट में नहीं जाना, पर प्राइवेट में उस लेवल पर नहीं जाना जिस पर मेरे को पिक किया जा रहा है कॉलेज में, बिकॉज मेरा पैकेज कम था, प्लस आई वॉन्ट टू बी प्रोजेक्ट लीडर, मेरे को लीड करना है शो। अगर शो लीड करना है तो उसको मूव करना पड़ेगा MBA की तरफ। राइट। अब MBA करना है तो CAT का एग्जाम है, ZET है, देन वी हैव GMAT अगर किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA करनी है, तो वो एक अलग से फील्ड है, उसमें आपको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगेन आफ्टर द चॉइस ऑफ योर मेन करियर फॉर 3 या 4 ईयर कोर्स, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। MBAs होके
देन सम पीपल हैव फैसिनेशन कि सर मेरे को तो सिविल सर्विसेज में जाना है जी. मेरे को तो पावर वाली जॉब करनी है, मेरे को तो आगे पीछे ऐसा सा होना चाहिए, आई वांट टू चेंज द सिस्टम, मेरे को सिस्टम में घुस के काम करना है, आई वांट टू बी ब्यूरोक्रेट, वो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं. कुछ कहता सर फोर्सेज इज माई पैशन, मेरे को तो आई लाइक मैन इन यूनिफॉर्म, मेरे को तो यूनिफॉर्म में रहना है, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स सी डी एस 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 पी आई एम ए सभी एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, तो वो उस तरफ चल पड़ता है. पर मुझे लगता है विकास जी आपकी जो आप बात बता रहे हैं उन सब में एक बात साफ तौर पर निकल के आ रही है कि जो आज के बच्चे हैं दे वांट टू लीड, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे प्लेस हो जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स उनको मिल जाती हैं, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं 60-70-80% तक जो बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल जो स्ट्रीम है सिर्फ वही वेल सेटल्ड है, बाकी बच्चों के लिए जो करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए ये बात आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, हमारे कंट्री में क्या कि जो बच्चा अच्छे कॉलेज में प्लस टू के बाद चला गया उसको जॉब की कमी नहीं है जी, ठीक है, उसको इजिली कॉलेज प्लेसमेंट्स भी है, नई भी प्लेसमेंट होती है, वैसे भी अगर मार्केट में अपना सीवी कहीं फ्लोट करता है तो उसको जॉब मिल जाती है. नॉट ओनली 60-70%, वी हैव 90% स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम प्रीमियर कॉलेजेस बट दे स्टिल हैव पोटेंशियल, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना है. जॉब की आज की डेट में सिनेरियो में स्केस्टी है, जॉब नहीं है, प्रीमियर कॉलेजेस से बच्चे इजली प्लेस हो रहे हैं, बट जो हमारे बी सी डी कॉलेजेस हैं उनमें बच्चे अच्छे हैं बट उनके प्लेसमेंट में बहुत सॉलिड प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चा सिस्टम से भी कन्फ्यूज है, बच्चा करियर चॉइस को भी लेके कन्फ्यूज है, उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि फाइनेंशियल प्रेशर, बिकॉज वो जब कॉलेज से पास आउट होकर बाहर आता है तो वो थोड़ा सा उसमें एक फीलिंग आ जाती है कि अब मैंने घर से पैसे नहीं लेने, मोर ओवर उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सा इतना खर्चा कर करके थक चुके होते हैं कि अब मैं और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, तो बच्चों को उस स्टेज पर काफ़ी चैलेंजिंग लगता है कि मैं आगे क्या करूँ, बिकॉज किसी एग्जाम में बैठता है अगर सपोज 3000 वैकेंसीज है तो उसमें लाखों में कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो कंपटीशन इज़ वेरी हाई, तो वो कभी कंपटीशन से बचता है जॉब की तरफ जाता है, जॉब से बचता है तो फिर से कंपटीशन की तरफ आता है, तो ये उसकी ऑसिलेटरी मोशन चलती रहती है कॉन्टीन्यूसली, तो ये तो प्रॉब्लम है ही है बच्चों के लिए, बिकॉज हमारे कंट्री में जो सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जितने हमारे पासवर्ड्स बाहर आ रहे हैं उतनी सपोर्ट नहीं है हमारे, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है विकास जी, बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं कंट्री में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने हाल ही में कुछ ऐसी खबरें देखी हैं कि जिसने एमटेक भी किया है वो ट्रैकमैन की जॉब कर रहा है, कई लोग पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि बहुत ही डिसमिल स्टेट, यस ऑफ कोर्स, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, सारा ब्लेम स्टूडेंट का नहीं है, ये सिस्टम का है, हम स्टूडेंट को कितना जूस निकाल सकते हैं, हमने उसको 9-10 से कोचिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया, रादर अब तो फिर 6 से पेरेंट्स भेजते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी में घुस जाए, जो आईआईटी का ट्रैक है वो प्लस टू के बाद उसका कंपटीशन खत्म होता है, पर उसके 6 साल उसकी तैयारी में लग रहे हैं, 4 साल वो आईआईटी में स्टॉक करता है, 10 साल उसकी जिंदगी के जो है वो टोटली इसी काम में लग जाते हैं, पर अब जो बाकी बच्चे हैं जो आईआईटीज में नहीं गए उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सर हम क्या करें, वैकेंसीज कम है और अब जो कैंडिडेट्स अपीयर हैं नंबर इज वेरी वेरी हाई एंड फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, जॉब्स नहीं है, तो समहाउ वी हैव टू इंप्रूव आवर सिस्टम, इसमें बच्चों का फॉल्ट नहीं. और आजकल मुझे लगता है विकास जी एक नई जो टर्म आ रही है स्किल इज द न्यू ग्लोबल करेंसी, उस पर भी हम बात करेंगे, अपने स्किल को अगर और हार्नेस करते हैं तो जॉब्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उस पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी हम अपनी ऑडियंस को हमारी इस प्रोग्राम में शामिल करें, कोई है आप में से जो सवाल करना चाहता है, आपके कोई सवाल हैं जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें. हेलो सर, माय नेम इज नितेश. सर माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडी? या नितेश, देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ टू राइट टाइम टू स्टडी, ये हर इंडिविजुअल पे वेरी करता है कि कोई बच्चा स्कूलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा लीडिंग था, तो उसकी ऑलरेडी कुछ बेसिक से होते हैं, जैसे हम किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो उसमें क्वांट एप्टी रीजनिंग इंग्लिश वोकैबुलरी ये तो यूज़ होते ही होते हैं, तो अगर वो बच्चा वहाँ पे स्ट्रांग है तो उन पैरामीटर्स पे वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो अपने सिर्फ सब्जेक्ट कोर पे काम करता है. किसी और के केस में ऐसा हो सकता है कि उसका जो कोर सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग है और वो बेसिक क्वांट एप्टी रीजनिंग वगैरह स्ट्रांग नहीं है, या उसकी जो मैनेजरल स्किल्स हैं या जो इंटरव्यू में जाना है वो स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो जो ये इट इज़ ए बेसिकली ए मिक्सचर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपका ब्लेंड क्या है, तो इट इज़ नेवर लेट, जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि आपको प्लेसमेंट लेनी है चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, यू इमीडिएटली स्टार्ट स्टडिंग. राइट, मुझे तो ऐसा भी लगता है विकास जी कि कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस जो आपको मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं कि क्वांट्स में है या फिर आप थ्योरी में अगर वीक हैं, पहले से अगर उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए एट अर्ली स्टेज एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इन द लेटर स्टेजेस कि आप किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं. कोई और हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं? यस हेलो सर. हेलो, माय नेम इज अंकित, आई एम इन फाइनल ईयर बीटेक. माय क्वेश्चन इज शुड वी फोकस ऑन प्लेसमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? ओह माय गॉड, या वेरी वैलिड क्वेश्चन अंकित. या
you have to prepare for both. There is no choice in front of you, because if you leave one, the other is gone, and you never know what is going to happen with your A project. Suppose A is not successful, you should have a B plan. So you have to design your preparation in such a manner that you fit into both. You have to be disciplined, you have to be proactive. आपको सभी दायरे को लेके काम करना है. टेक्निकली भी आपको स्ट्रांग रहना है और ये जो नॉन टेक है उस पर भी आपको काम करना है. दोनों दोनों जगह काम आने हैं. इंटरव्यूज में आप जाएंगे तो आपको टेक्निकल पूछेंगे, रिटन एग्जाम होगा तो उसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पूछेंगे. सो यू हैव टू मेक ए बैलेंस आउट ऑफ टू बोथ विद बोथ ऑफ देम. यस. अब विकास जी, मेरा भी इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है. हाँ जी मैम. कि आपने ऑल्टरनेट की बात की, आप यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. यस. तो ऐसा कई बार होता है कि योर इंटरेस्ट, योर हॉबी, आप कह सकते हैं योर स्किल इज ए, बट जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दैट इज बी. इस द्वंद को कैसे हम करें, बिकॉज दैट बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपने ही हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को आप प्रोफेशन में तब्दील करना चाहें, और क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. Yes. तो अक्सर हम उस चीज को नहीं चुन पाते, नहीं चुन पाते हैं. तो अपने हुनर को ही एक विकल्प कैसे बनाया जाए. मैम, हमारे सिनेरियो में ए प्लान तो सॉलिड रखना बहुत जरूरी है. राइट. बिकॉज हुनर बहुतों के पास है, सभी काम कर रहे हैं उस पर. बट आप उस हुनर पे कितना सक्सेसफुल होंगे, कितनी आपकी स्ट्रगल होगी, कितना आपको स्लॉग करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, वो टाइम बताएगा. तो आप अपने ए प्लान को खराब मत होने दीजिए. ओके. उसको वैसे स्ट्रांग रखिए, बी पे काम करते रहिए. आपका डांस में, राइटिंग में, सिंगिंग में और उसमें इंटरेस्ट है तो देयर इज नथिंग बैड विद दैट. बहुत सारे लोग आज के डेट में जो सक्सेसफुल हैं, अगर हम देखेंगे, चाहे इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम सम और ए और बी प्रोफेशनल बैकग्राउंड. तो वो तो एक कॉन्फिडेंस आपको देगा ही देगा, वो चाहिए चाहिए आपको, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा. विकास जी, जो हम ब्रेन हैमरेज की बात कर रहे थे, एक होता है ब्रेन ड्रेन. Yes. तो जो अच्छा टैलेंट है वो लगातार बाहर जा रहा है, लेकिन जो ब्रेन हैमरेज की हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी जो है बच्चों को जॉब्स, उनके जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके आधार पर नहीं मिल पा रही है, ऐसे में क्या वो ऑल्टरनेट जो ऑफ बीट कोर्सेज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. मैम, दिस नथिंग बैड इन इट, बिकॉज ब्रेन हैमरेज, बहुत राइट वर्ड आपने यूज किया. बच्चों को कहीं ना कहीं क्या काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. उसने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, बट ऐसा हुआ है कि जो उसका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था. Right. वो कहता मैं कंप्यूटर के आगे ज़्यादा नहीं बैठ सकता. वो शिफ्टेज मार रहा है कहीं रोबोटिक्स में. Right. किसी ने मैकेनिकल में किया है, वो कंप्यूटर साइंस में जा रहा है. तो वो तो होना ही होना है, बिकॉज जब तक उसको ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है तो ब्रेन हेमरेज तो होगा ही होगा, बिकॉज फाइनेंशियल प्रेशर भी तो है ना स्टूडेंट पे. बिल्कुल. आप में से ऑडियंस में से कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? यस, योर नेम प्लीज. Hello sir. Hello. My name is Ashish. And I've just completed my BTech in mechanical engineering. And now I'm planning for preparation of GATE examination. So sir, my question to you is this. As we have seen these days, online classes are trending a lot. And obviously they are having all of the courses with them, with online lectures and study material. So what should we go for? We should be going for online classes or traditional classes? Okay. Which is good in your perspective? Ashish, no doubt online classes, they save on time, money and energy. Yeah. But at the same time, you have to see who is the person teaching in front of you. Can you clear your doubts with him or her? That is one thing. And second thing, when you go to regular coaching institute, you have a very real feeling. Because as of age, we are not so comfortable with virtual world. Somehow, real plays a major role. So I think there should be a blend of both. Right. Real as well as virtual. Combined, they save time, money and energy. And with the real coaching, you get a sort of boost and confidence. Right. So, it should be blend of both. Try to focus on both. Because ji, aajkal bahut dekha jata hai ki offline to chalo bache lete hi hain, coaching institutes join kar lete hain. Online courses mein mock rehearsals, shayad mock tests jo hote hain, wo achhe ho jate hain. Lekin in sab ke beech jo sabse important mujhe lagta hai baat hoti hai, wo self study ki hoti hai. Aur aajkal wo shayad khatam hoti ja rahi hai. Ma'am, aajkal ka kaafi 8-10 साल पहले खत्म हो गई है, जब से स्टूडेंट्स वर्चुअल वर्ल्ड में गए हैं. दे हैव मोर इनटू टाइम स्पेंट, मोर इनटू व्हाट्सएप. तकनीक का दखल शायद हमेशा का अच्छा नहीं होता. अच्छा नहीं होता. व्हाट्सएप एंड फेसबुक, एंड दे स्लीप लेट, दे गेट अप लेट, दे डोंट हैव एक्सरसाइज, दे डोंट हैव गुड डाइट. तो वो चीज़ें मैंडेटरी हैं लाइफ में, जो कि किसी भी स्टूडेंट या किसी भी ह्यूमन बींग के लिए मस्ट हैं. तो वो इनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस, उसका बैलेंस टूट चुका है. तो ऐसा वो हमें बैलेंस बना के रखना है उसको, तभी ये गाड़ी चलेगी. नहीं तो ये जो सेल्फ स्टडी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव पीडीएफ्स विद यू, यू हैव ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स विद यू, यू हैव बुक्स विद यू, बट वेयर इज एक्शन? एक्शन इज रिक्वायर्ड. यू हैव टू स्टडी, स्टडी, स्टडी एंड स्टडी. हैव लॉट ऑफ डाउट्स विद यू, देन गो टू योर टीचर, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्लियर देम. दीज आर द टू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड.
Rest is all your choice, where you study, where you like. जी audience में से एक और अपना कोई सवाल पूछना चाह रहे थे जी. Hello sir, my name is Navpreet. Yeah. I am currently pursuing my degree in production and industrial engineering. Okay. So my question is like, what are the merits and demerits of going to abroad for studying, or what's the best time to go for abroad for studying? Is it before graduation or after graduation? आपने अपना नाम क्या बताया? Navpreet. Navpreet, आप वैसे आपका goal क्या है? A government job. Okay. वैसे आप abroad जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए? ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है विवेक जी, क्योंकि जिस तरीके से हम माइग्रेशन देखते हैं बच्चों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं. सो इट इज़ इंडिया वर्सेस अब्रॉड, मतलब बच्चों की जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है, वो इस तरीके से ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है, लेकिन कई बच्चों का शायद विजन ही क्लियर नहीं होता है, उसकी वजह से वो कई बार वापस आ जाते हैं. मैम सेम इज़ द केस हियर, लाइक Navpreet, यू वांट टू यू गो अब्रॉड आल्सो एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब आल्सो. प्लान ए एंड प्लान बी. यस, प्लान ए एंड प्लान बी, वेरी वैलिड क्वेश्चन. What is happening? Like, you pass out from the college, placement in multinational, plan A, government job, plan B. उसके बाद plan C नहीं है आपके पास. Right. Plan C is then brain hemorrhage. Then plan D is going abroad. True. Now going abroad, you have to decide whether you have to remain there for always or you have to come back to India. Right. Suppose you have to remain there, then you choose courses according to that country and your previous qualification and your interest also. That is one part. If you want to, I've seen, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि जो वहाँ पे courses opt कर लेते हैं और किसी वजह से, for example, it is very very challenging. First of all, कई बार student का मन नहीं होता कि मेरे को बाहर जाना है, parents का pressure है कि वो बच्चा बाहर चला गया तो तू भी बाहर चला जा. जी ठीक है, तो क्या student ready है? स्टूडेंट रेडी है, ठीक है, फिर वहाँ जाके उसने कोर्स चूज कर लिया, वो कोर्स क्या उसको वहाँ पे जॉब दिलवा रहा है या वो कोर्स सिर्फ वहाँ पे एंटर करने के लिए था? राइट, यू हैव टू सी. देन आपने वो कोर्स ले लिया, ड्यू पैसेज ऑफ टाइम आपको ये लगा कि नहीं मेरे को इंडिया वापस आना है, बिकॉज यू विल, आज आपको यहाँ बैठे बाहर अच्छा लगता है, जब आप बाहर जाओगे यू विल फील कि नो, इंडिया इज ऑल्सो ब्यूटीफुल कंट्री. यू कॉन्ट कंपेयर इंडिया विद अब्रॉड, बोथ हैव देयर ओन प्लस एंड माइनस पॉइंट, यू शुड नॉट. ओके, आपको इंडिया वापस आना है, फिर आपके पास प्लान क्या है? बिकॉज यहाँ का गवर्नमेंट जॉब पे तो आपका जीरो हो गया, बाकी प्लान्स आपने ए और बी तो कैंसिल करके दे आप यहाँ से. क्या वो जो क्वालिफिकेशन आप वहाँ से ले रहे हो, क्या वो इंडिया में वैलिड है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज उसको रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं करती? आप वहाँ से ऐसा कोर्स पढ़ा है, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, यहाँ से आप प्लस टू करके गए थे, वहाँ से डिप्लोमा किया, इंडिया वापस आए, वो डिप्लोमा यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो यू विल रिमेन प्लस टू स्टूडेंट फॉर होल लाइफ. सो चूज कोर्सेज very wisely, seeing your interest, your settlement opportunities, which country you want to stay, why you want to stay, or you want to stay in both the countries, then you choose course accordingly. ki wahan pe bhi wo valid hai, uski wahan pe bhi opportunity hai, yahan pe bhi opportunity. mujhe lagta hai taaliyan honi chahiye, kyunki bahut kam aise sawal hain, bahut zyada bacche hain jo I think abroad jana chahte hain, lekin उनके मन में लगता है कि एक विजन नहीं हो कैरी करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनको वापस लौटना भी पड़ता है. काफी है, काफी केसेस ऐसे हैं मैम, कुछ कंट्रीज में ऐसे मैंने सुना है कि जी वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, बच्चे सोचते हैं एजुकेशन फ्री है, जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं दैट इज सो कॉस्टली, साल का 7-8 लाख रुपए आपका वहाँ पे लग रहा है, तो बात तो वही पड़ गई, वो वहाँ जाके पता लगता है. वहाँ भी चैलेंजेस बहुत हैं, देयर इज हार्श क्लाइमेट, आपको आप फैमिली से दूर हो, आपके इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपके पास शुरू में कोई व्हीकल नहीं है मूवमेंट के लिए, और आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं है उस कंट्री में. यहाँ आप किसी से हेल्प मांगते हो तो 10 लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं. बट विकास जी, अगर जेन्युइनली कोई अब्रॉड पढ़ना चाहता है, उसने यहाँ ग्रेजुएशन किया है और आगे परस्यू करना चाह रहा है, तो आप उसको किस तरह के टिप्स देंगे कि क्या सोच के किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाए? हाँ, अगर यहाँ से ग्रेजुएशन करके जा रहा है तो वहाँ पे पीजी कोर्स लीजिए आप उसी सिस्टम के, कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है. यहाँ जो हमारे पास जो हमने चश्मा पहना हुआ है इंडिया में कि हमें ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और यही करना है, तो उसको हटा के वहां पे देखिए, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रेगुलर डिग्री की बात करें कि डिप्लोमा की बात? आफ्टर बीटेक वी कैन अगेन गो फॉर डिप्लोमा आल्सो, वी कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो, तो उसमें कॉस्टिंग का डिफरेंस कम रह जाता है. ग्रेजुएशन में कॉस्टिंग इज वेरी हाई, तो पीजी कोर्सेज में अगर जो बीटेक या बीए के बाद कोर्सेज हैं उनमें कॉस्टिंग कम है, इट इज नियर टू डिप्लोमा. ओके, सो बेटर यू गो फॉर पोस्ट पीजी कोर्सेज ओनली, और उसको उस सिस्टम के हिसाब से आप चूज कीजिए. किसी के कहने के भाई मत कीजिए, बिकॉज यहाँ मैंने ये देखा है लोग पेपर में ऐड पढ़ते हैं, अरे ये टॉप यूनिवर्सिटीज है, जब आप वहाँ जाओगे वो वहाँ से यूनिवर्सिटी को कोई नहीं पूछता. चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया. और इसके अलावा विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब रिसर्च की बात करें R&D की, तो भारत में R&D को लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोशन सरकारी तौर से भी इतनी कोशिशें नहीं दिखाई देती हैं. हालांकि अब कुछ काम किया जा रहा है इस दिशा में, लेकिन आपको एज करियर कंसल्टेंट क्या लगता है कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रिसर्च करने भी बाहर ही जाते हैं? मैम,
कंट्री की फाउंडेशन ही रिसर्च है जी। हम यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को देखते हैं, वो आगे क्यों है हमारे से? टेक्नोलॉजी। राइट। आज भी हम फाइटर प्लेन्स लेते हैं तो बाहर से लेते हैं। सो टेक्नोलॉजी के दम पे तो कंट्री चल रहा है। तो ये जो हमारा यूथ अगर ब्रेन ड्रेन होता रहा तो हमारी आरएनडी कहाँ जाएगी? तो आरएनडी पे काम करना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी पोर पेड वेल फॉर दैट जी। मुझे लगता है ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा जो हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन हो और टाइम मैनेजमेंट हो। तो मुझे लगता है बहुत मेन जो सवाल है वो हर बच्चों का रहता है कि स्ट्रेस को और टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि आप एक वाकई एक कामयाब जिंदगी जी सके। मैम जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होती तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप आ जाती है जी। That is the only thing. You manage your time and resources. Stress management की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर विकास जी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाता है। कई बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा निकल आता है। तो क्वालिटी आउटपुट लाने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे बच्चों को? अगेन मैम स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड। राइट। 8-10 घंटे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 3 घंटे का स्मार्ट वर्क किया, राइट डायरेक्शन में किया, राइट टाइम पे किया, विल पे यू मोर। 4 साल पहले तैयारी शुरू करी, बहुत मेहनत की, जब एग्जाम आया तो यू आर नॉट सो फोकस्ड, तो पेपर हाथ से निकल जाएगा। तो स्मार्ट वर्क चाहिए, जो करना है उस पर काम कीजिए। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सारा सिलेबस खोल के बैठ जाते हैं, वो नहीं करना हमें। हमें ये देखना है क्या नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या छोड़ना है हमें। तो जो करना है पिक एंड चूज, उस पर अच्छी तरह से काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो और पेपर क्लियर कर दो। इतनी बात होती है, सारा कुछ नहीं करना। मेजॉरिटी टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारा सिलेबस खोल के बैठ जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर अ 3 or 4 year होल कोर्स और ए 3 year एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विकास जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और काफ़ी एग्जाम्स मोस्टली जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं अब। तो ऐसे में जो रूरल इंडिया से जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमें भी कभी मुश्किल लगता था पहली बार कंप्यूटर में आपको ऑब्जेक्टिव देना हो तो यू डोंट हैव टाइम और आपको फटाफट एग्जाम्स अपने जो क्वेश्चंस है वो भी टिक करने हैं, सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं और कैसे उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स? यस मैम, जो आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है वो एक वन पार्ट है और आपका मैं अनुभव भी जानना चाहूंगी। हाँ। अगर ऐसे बच्चे आते हैं किस तरीके से आप उनको टैकल करते हैं? देयर इज वन पार्ट, यू कंप्लीट योर सिलेबस, यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, नाउ सिटिंग ऑन सिस्टम और उस पे पेजेस को स्क्रॉल करना माउस से और राइट क्वेश्चंस को क्लिक करना, वो एक अपने आप में एक और चैलेंज एक्सरसाइज है एंड इट्स अ बिग चैलेंज। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पर वो जब स्क्रीन पे जाते हैं तो वैसे अटेम्प्ट उनसे वहाँ पे नहीं हो पाता। right. तो यू शुड प्रैक्टिस लॉट मेनी मॉक्स। आजकल ऑनलाइन खूब सारे पोर्टल्स मिलते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन जो मॉक एग्जाम्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड्रॉयड बेस्ड भी हैं, आप फोन पे भी कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। विकास जी इसके अलावा आज जो हर स्टूडेंट है वो हर कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहता है और हर कोई चाहता है कि अच्छा पैकेज अगर मिलेगा देन दे विल गो फॉर इट। आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था लेकिन एक क्या फ्रेम ऑफ माइंड एक बच्चे का होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है? पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपको शुरुआत में एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर आप रिक्रूटर हैं या मैं रिक्रूटर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि जो कैंडिडेट मेरे पास आ रहा है उसका सब्जेक्ट पे ग्रिप होना चाहिए। अब ग्रिप कैसे आएगा? वो काम करके आएगा। तो जिस भी सैलरी पे आपको जॉब मिल रही है उसको ज्वाइन कीजिए और काम पे ग्रिप बनाइए। जब आप में परफेक्शन आएगी तो पैकेज तो ऑटोमेटिकली, मनी इज ऑटोमेटिकली, इट इज़ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम। बट डोंट बी फोकस अबाउट मनी ओनली कि मेरे को पैसे कितने मिले। आप ये देखिए मेरे को काम सीखने को क्या मिलता है जी। तो जितना आप सीखेंगे आप ग्रो करते चले जाएंगे। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि जिसने अपना करियर 10,000 से शुरू किया था तो आज वो 10,000 पे भी बैठा है 20 साल के बाद। ग्रो तो सारे करते हैं। कंपनीज को भी एक्सपीरियंस लोग चाहिए, रिफाइंड लोग चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर जॉब एंड स्किल्स, डोंट लुक एट मनी जी। विकास जी इसके अलावा हम जब बात करते हैं कि हमें जब एग्जाम्स की जब तैयारी करनी होती है तो ऐसा देखा जाता है कि अक्सर बच्चे जीके में इतने अच्छे नहीं होते हैं। yes. मतलब जब तक नहीं होते हैं जब उनकी जो डिमांड है उनका जो फील्ड का डिमांड है वही जीके हो। yes. तब तक वो जीके नहीं पढ़ते हैं। तो किस तरीके से तैयारी की जाए अगर हम फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग के बैठे हैं, किस तरीके से आप कहेंगे कि तैयारी की अगर गेट भी देना है और दूसरे भी जो तमाम इंजीनियरिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में? अगर मैम जनरल नॉलेज के लिए तैयारी तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, 3rd year 2nd year, उसमें तो कोई हमें कोच नहीं चाहिए। आपको सिंपल स्टफ चाहिए, इट कैन बी बुक्स ऑल्सो, इट कैन बी ऑनलाइन पोर्टल ऑल्सो। कुछ पोर्टल्स हैं वो डेली यूट्यूब वीडियोस फ्रेश डालते हैं, वो देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। अब तो एंड्रॉयड पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो उसमें आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें देखते रहिए। उसमें किसी कोच की जरूरत नहीं है आपको कि आपको जीके पढ़ने कहीं जाना है।
मुझे लगता है कि हमारे जो करियर की बातें सेगमेंट है वो भी इस पर ही आधारित है, और मुझे लगता है करियर मंत्र भी शायद यही होगा, उसको भी अगर आप फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा न्यूज रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है वैसे भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। विकास जी, मेरा ये भी सवाल होगा क्योंकि बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, मैं ज्यादा से ज्यादा जानना चाहूंगी कि अगर बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ले सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो या आर्ट्स की बात हो, क्योंकि हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं मिल पाता है जितना हम थ्योरी पे फोकस करते हैं। और मुझे एक फिल्म का जो जिक्र है वो याद आ रहा है, थ्री इडियट्स पे जैसे बात की गई थी, और हम मुझसे पहले भी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि इस कामयाबी जो है आपके पीछे खुद आनी चाहिए, इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। हाँ, तो मैम वही, जब एक स्टूडेंट्स कॉलेजेस में है, हमने स्टूडेंट्स में भी सीरियसनेस कम होती है लैब्स के लिए और टीचर्स में भी कम होती है। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए? यस, देयर आर सो मेनी पॉलिसीज, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करी भी जाती है पर इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। वी गो टू अदर कंट्रीज, वहाँ पे आप देखिए लैब वर्क बहुत ज्यादा है। हमारी वही पुरानी लैब्स हैं, वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब स्टूडेंट ने लगाई नहीं लगाई, टीचर को भी इट इज अ पिकनिक डे फॉर देम व्हेन इट इज अ लैब डे। ठीक है, तो लैब ही हमें कोई ज्यादा काम तो नहीं करना, वो एक स्टूडेंट रीडिंग बनाता है बाकी उसको कॉपी करता है। बहुत छोटे छोटे लूप होल्स हैं, उनको करने की जरूरत है। मैं चाहूंगी जो आप, जो हमारी ऑडियंस बैठी है और जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई करियर मंत्र देना चाहें बच्चों को। करियर मंत्र मैम यही है, डू नॉट कंपेयर विद अदर्स, डू नॉट कॉपी अदर्स, जो बेस्ट गिव योर बेस्ट, और खुद को खुद से कंपेयर करो। राइट, ठीक है, तो अपने आप पे फोकस रखो, जो आपको कर रहे हो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। दूसरे की तरफ मत देखो, कॉपी मत करो कि यार वो ये कर रहा है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि वो कंप्यूटर साइंस में चले गए, वो सिस्टम पे बैठने नहीं चाहते थे। right. तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद तो डोंट गो फॉर इट। लोगों को ये लगता है यार उसने इतना बड़ा पैकेज ले लिया, गूगल ने उसको हायर कर लिया तो मैं भी गूगल में चला जाऊंगा, पर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो डोंट कॉपी एनीबडी, जो आपको फील्ड अच्छा लगता है उस पर काम कीजिए, पर ये भी देख लीजिए उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और आगे स्कोप ऑफ जॉब होना चाहिए। और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, यस मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज मस्ट। आपको गिरना है फिर उठना है, गिरना है फिर उठना है, जब तक आप गिरोगे नहीं आप उठोगे नहीं, उठना सीखोगे नहीं, तो जरूर गिरो जरूर उठो। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा टीचर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सलारिया जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बेहतरीन जो जानकारी है वो देने के लिए। मैं चाहूंगी क्लैपिंग हो जानी चाहिए इस बात पर। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए। हमारे दर्शक भी हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कभी भी मिस्टेक्स से, गलतियों से ना घबराएं, गलतियां करें लेकिन उससे सीखें ज़रूर, क्योंकि अनुभव जो है सबसे बड़ा टीचर होता है, और आप आगे बढ़ते जाएं। न्यू इंडिया का संकल्प ज़रूर पूरा होगा अगर जो आज की युवा पीढ़ी है वो करियर फोकस हो जाए और अपने जो जो उसने दिशा निर्धारित की है उस पर आगे चले। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।